हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, अभी अभी रिसेंटली इग्नू ने स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइजिंग अपडेट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 19 सितंबर का स्टेटस यानी कि जून 2023 का रिजल्ट अपडेट आ गया है आपका, क्योंकि जो लास्ट अपडेट आया था आपका वो आया था आपका 15 सितंबर को, और उसके बाद से ये अब अपडेट आया है 19 सितंबर को। तो देखिए, ये वैसे नॉर्मली इग्नू की तरफ से जो अपडेट आते हैं रिजल्ट के, वो आपके 5 बजे के बाद आते हैं शाम को, लेकिन अभी अभी इग्नू ने ये जो नया अपडेट दिया है 19 सितंबर को दोपहर के टाइम पर, तो यहाँ पर 12 बजे के करीब ये जो अपडेट आया है, मैंने देखा तो यहाँ पर 19 सितंबर का अपडेट था। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है वो अपना चेक कर सकते हैं रिजल्ट, और ख़ासतौर से वो स्टूडेंट्स जिनका एक भी सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, उनका यहाँ पर स्टेटस नहीं शो हो रहा है 19 सितंबर का। वैसे तो नॉर्मली जो आपका रिजल्ट होता है रीवैल्यूएशन का और टर्म एंड एग्जाम थ्योरी का, वो साथ ही अपडेट होता है, लेकिन टर्म एंड एग्जाम का तो हो गया है, लेकिन रीवैल्यूएशन का यहाँ पर कोई भी अपडेट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि पोर्टल की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो सकता है कि शो ना कर रहा हो, तो आप यहाँ पर भी अपना रीवैल्यूएशन रिजल्ट एक बार चेक कर लेना, क्या पता रीवैल्यूएशन का रिजल्ट भी आ गया हो। तो ये दो अपडेट मुझे आपको देने थे। पहला तो आपका टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का जो अपडेट आप देख सकते हो यहाँ पर आया है, और दूसरा आपका जो रीवैल्यूएशन है वो भी आप चेक कर लेना, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आया होगा तो आप वेट करना, उसका भी अपडेट जल्दी आपका अपडेट इग्नू की तरफ से किया जाएगा। तो देखिए, वैसे तो आपका जब रीवैल्यूएशन का पहला अपडेट आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो टर्म एंड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसका ऑलमोस्ट 65-70% स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। उसके बाद से ही जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट प्रोसेस है अपडेट करने का, ये लोग स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपका टर्म एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा वेट कीजिए। आपके इवेलुएशन सेंटर और बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अगर आपका लखनऊ इवेलुएशन सेंटर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ गया होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपका दिल्ली है तो भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर इसके अलावा और कोई आपका इवेलुएशन सेंटर है तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन लखनऊ और दिल्ली का जो इवेलुएशन सेंटर है, ये लोग का रिजल्ट काफ़ी जल्दी ही अपडेट होता है। तो अगर आप इन दोनों इवेलुएशन सेंटर से बिलोंग करते हो तो आपका रिजल्ट आ गया होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये अपडेट मुझे आपको आज की वीडियो में देनी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।